तो हेलो दोस्तों, तो आपने ऐसा पानी की और भी बॉल्स बहुत देखी, मतलब जो ऐसी बॉल्स जो कि पानी में डालने पर बड़ी बड़ी हो जाती है, और आपने घर पर भी बहुत ज्यादा बनाई। पहले इनका बहुत ज्यादा क्रेज था, अभी भी है, मतलब हम जब बच्चे थे तब भी क्रेज था, अब तो मैं थोड़ा बड़ा हो चुका हूँ। तो क्या आपने कभी सोचा कि ये पानी में डालते हैं तो क्या इसके अंदर पानी भर जाता है बॉलों के? तो पानी वाली बॉल्स से होती है। अगर इसको पेट्रोल में डाल दें इन बॉलों को तो क्या इसके अंदर पेट्रोल भरेगा? तो आज हम इसी का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और इसी का टेस्ट करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आज हम क्या करेंगे, कटोरे में एक पेट्रोल भर लेंगे, पेट्रोल के अंदर डाल देंगे ये वाली बॉल्स सारी सारी जितनी भी है, करीब करीब 500 होंगी, आराम से 100-100 से ऊपर निकलती है पैकेट में, और ये 5 पैकेट है, तो 5 हो गए, 5 को हम उसमें डाल देंगे। तो पहले हम इसको कटोरी में शिफ्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं खोल लेता हूँ इनको, खरीदता हूँ तो मुझे पता बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो मैं बहुत एक्साइटमेंट में हूँ कि मतलब क्या होगा आखिर। खुलेंगी तो अच्छी बात है, तो फिर उसके साथ भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो दोस्तों मेरी जो अगली वीडियो आएगी ना, शायद फेस वाली आए, अब तक मैं क्या है बिना फेस की वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं करते, मैंने देखा तो 96% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है, ये कोई सही बात थोड़ी ना यार। तो दोस्तों देखिए, ये रही देखिए हमारी गोलियाँ, जो कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर रखी हुई हैं। तो अब हम इनको डाल लेंगे पेट्रोल के अंदर, तो पहले पेट्रोल को निकाल लेते हैं बोतल के अंदर। अरे कहना क्या चाहते हो? तो पहले पेट्रोल निकाल लेते हैं कटोरे के अंदर, बात तो सही है, इसमें पहले पेट्रोल डाल लेते हैं जितनी हमको जरूरत है। मेरे हिसाब से इतनी बहुत ज़्यादा है, आराम से फूल जाएंगी इतनी मेरी सारी गोलियाँ। ये पूरी 1 लीटर पेट्रोल थी, उसमें थोड़ी सी कम थी बस, करीब करीब 900 ml होगी, तो मैंने उसमें थोड़ी बचा ली है, और बाकी आधे से बहुत ज़्यादा भर चुका कटोरा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मैं डाल देता हूँ उसमें गोलियाँ। तो दोस्तों हमें क्या ना कल तक का वेट करना पड़ेगा, और फिर देखते हैं कि क्या होता है, तो जो भी होगा आपके सामने होगा, चल झूठा, मतलब कल होगा। तो मैं क्या करूंगा इनको ना एक डिब्बे के अंदर डालूंगा, इससे क्या पेट्रोल उड़ेगी नहीं, तो पूरी हो सकता है पेट्रोल ही उड़े जाए, फिर क्या गोली खुलेंगी, उस वजह से मैं इसको एक डिब्बे में डालूंगा। तो अब जो भी होगा वो कल होगा, तो 24 घंटे लिए इनको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमें पूरे 24 घंटा हो चुके हैं, 24 घंटे ज्यादा ही हो गए हैं, क्योंकि कल हमने 6 बजे करीब रखी थी, तो अभी 6:30 बज चुके हैं, तो 24.5 घंटे हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये बॉल है हमारी, जो कि बिल्कुल भी नहीं फूली है। अगर आप देखेंगे अंदर तो क्या हुआ ना, पहले तो ये घंटे पहले मैंने इस डिब्बे को खोल लिया था, क्योंकि पहले क्या है ये वाला डिब्बा एयर टाइट था, तो मुझे लगा कि उस वजह से नहीं फूली होंगी, मैं चेक करने आया तो फिर मैंने सोचा कि डिब्बे खोल देते तो शायद फूल जाए, पर अभी भी 1 घंटा हो चुका है, मतलब बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं आया, तो हम समझ सकते हैं कि ये नहीं फूलने वाली किसी भी हालत में, बिल्कुल फेल हो गया है। तो देखिए मैं आपको एक बार निकाल के बता देता हूँ इसके अंदर से। अब हम क्या करेंगे, एक ही तरीके रहेगा कि हम इस बॉल्स में आग लगाएंगे, क्या होता है देखते हैं। बाकी देखिए मैं खाली कर लेता हूँ, एक बार पेट्रोल निकाल लेता हूँ, पेट्रोल ही बहुत ज्यादा उड़ गई है, गोली तो एक भी वैसे भी नहीं आई, मुझे लग रहा था कि पूरी नीचे आ जाएंगी। ये देखिए पूरी पेट्रोल देखिए कैसी हुई है, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए मतलब गंदी गंदी सी हो गई, कल क्या बिल्कुल क्लीन पेट्रोल थी, बिल्कुल क्लीन, आज बिल्कुल गंदी गंदी सी हो गई है, लगता है इससे गोली के कारण हुआ है। इतना तो गोली बिल्कुल भी नहीं फूली, शायद एक हाथ दो सबसे पहले लग रही कि फूली हो शायद, पर अब मैं नहीं कह सकता कि फूली है। तो देख सकते हैं आप, देखिए ये रही थी गोली, चमक रही है तारों की तरह। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक ही काम कर सकते हैं कि अब हम इसमें लगा देंगे इन गोलियों में आग, और फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा पेट्रोल है गोलियों में, ऊपर आप देख रहे होंगे गीली है पेट्रोल की वजह से, तो हम इसमें आग लगा देते हैं, जो कि हम बाहर लगाएंगे, चलिए बाहर चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते थे कि हम बाहर आ चुके हैं, तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि मैंने कटोरी चेंज कर दी है, कटोरी चेंज मैंने इसलिए कर दी है क्योंकि वो क्या नई कटोरी थी, और अगर हम उसको जला देते तो हमारी क्या हालत होती आप समझ सकते हैं, मम्मी बहुत बुरी मारती, तो उस वजह से मैंने कटोरी बदल दी है, ये वाली कटोरी ले ली है, पुरानी कटोरी है, तो अब हम इसमें लगाने वाले आग। मम्मी के साथ तो आप सब लोग जानते ही होंगे ऐसा कुछ हुआ है, मतलब पेट्रोल थोड़ी सी थी उसमें ज़्यादा नहीं थी, इसकी जो गोलियाँ ना वो जल रही हैं, अब गोलियाँ जल रही हैं, सही कह रहा हूँ, जो मैं दृश्य देख रहा हूँ वो आप नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि कैमरा में कैप्चर नहीं हो पा रहा है, और आवाज़ आ रही है चट 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 की, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, जैसे लग रहा है कि कोई अपना बुक आए ना पॉपकॉर्न ना वो फूटते ना, वैसी कुछ आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा तेज आ रही है, चट 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 बहुत ज़्यादा तेज आ रही है। ये देखिए एक दो तो थी बार गा के लिए, देखिए एक देखिए वाला, देखिए देखिए ब्लैक हो गया है, और देखिए अब देखिए आप, और देखिए कुछ तो आपने एक ये देखिए जिसमें मतलब और गोलियाँ थी ना उस पर तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, लेकिन जो व्हाइट कलर की गोलियाँ थी ना वो जरूर मतलब वैसी हुई हैं बड़ी बड़ी, ये देखिए। तो हम क्या करते हैं इसमें थोड़ी सी पेट्रोल और आके देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आप देख सकते थे कि मैंने डाल दिए इसमें पेट्रोल, मैं दिखा नहीं पाया, गलती से मेरी गलती हुई। तो देखिए इसमें पेट्रोल में देखिए बबल से बनना है, अब हम फिर से इसमें आग लगाते हैं। तो सही था उसमें पॉपकॉर्न इससे फूट रहे हैं, पर ये खाने वाले नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये देखिए मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है, इस बार हद से ज़्यादा तेज़ आ रही है, और सब जगह गिर रहे हैं फूट फूट कर, मतलब कुछ अलग ही हो रहा है, सही कह रहा हूँ। पर आपका वो ना सही कह रहा हूँ, मैं बहुत सारी गोली के साथ ये वाला एक्सपेरिमेंट करूँगा, बहुत सारी गोलियों के साथ, बहुत ज़्यादा गोलियों के साथ करूँगा अगर आप कहेंगे तो।
अभी तो मैंने थोड़ी थोड़ी ली है, सही कह रहा हूँ, बहुत मतलब अलग ही दृश्य है, सही कह रहा हूँ, पूरी जगह सब जगह पॉपकॉर्न से फूट गए हैं, आप देख रहे होंगे आराम से सब जगह, ये देखिए एक देखिए यहाँ डाला हुआ है, एक देखिए एक दो देखिए सब मतलब सब जगह गिर गए हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा डालते हैं और देखते फिर क्या होता है। तो दोस्तों क्या है ना, बीच में ना वीडियो अटक रही थी क्योंकि माल गर्म हो चुका था, थोड़ी सी कमी डालेंगे, तो बीच का जो एक एक्सपेरिमेंट है वो ही मिस हो गया है, तो हम फिर से एक बार करते हैं, तो वैसे की वैसी डली हुई है, हमने कोई चेंजेस नहीं किए, फिर देखिए ये लास्ट बार है, इसके बाद नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हुई है। और अब देखिए फटाके से फूटेंगे पहले की तरह, बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आया मुझे वाले एक्सपेरिमेंट में, पहले जो मेरा मन उदास हो गया था कि फूले नहीं है, अब मैं कैसे वीडियो बनाऊंगा, ये होगा वो होगा, तो मैंने चलो ट्राई कर लेते हैं, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता थोड़ा टाइम लगता है, पॉपकॉर्न होते हैं ना उसमें डालते हैं हल्के तो फूटते नहीं है, थोड़े गर्म हो जाते हैं उसके बाद फूटते हैं, वैसे इसमें कुछ होगा, मतलब बिल्कुल मज़ा आ रहा है देखने में, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा मतलब क्या बचा क्या आया इसके अंदर। दोस्तों ने पता चश्मा पहन लिए क्योंकि क्या ना वो आंखों में जा सकते हैं, तो दोस्तों देखिए बुझ चुकी है, तो अब मैं क्या करता हूँ उसको नीचे को लेकर दिखा देता हूँ, तो बहुत ज़्यादा गर्म, कटोरी से डायरेक्ट नहीं कर सकता, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म थी, सही गर्म मुझे लगा था तो ज़्यादा नहीं हुई पर बहुत ज़्यादा गर्म थी। ये देखिए ये गोलियाँ ना बिल्कुल मतलब पिचक गई हैं, देखिए आप देखिए मतलब मुझे लग रहा था कि गोलियाँ ठोस होंगी अंदर से, देखिए पूरी पिचक चुकी हैं, जैसे कि हम साफी गोली लाते हैं बड़ी हो जाती है, इसके बाद जैसे चूरा बन जाता है वैसे इसमें कुछ हुआ है, कुछ गोलियाँ ठोस हैं बाकी सब पिचक चुकी हैं, गलती से गिर गई मेरे से, तो ये देखिए ऐसा कुछ हुआ है गोलियों के साथ, ये देखिए कुछ पूरी पिचक चुकी हैं, कुछ मतलब बेकार हो चुकी हैं, तो आपने देख लिया क्या हुआ जब हमने गोलियों को आग से जलाया, तो बहुत अच्छी आवाज़ आती है जैसे पॉपकॉर्न फूटते हैं, बाकी देखिए कुछ गोलियाँ देखिए बिल्कुल मतलब सारी दरी हैं, साबुत बिल्कुल नहीं फूटी हैं, बाकी कुछ हो गई हैं बड़ी बड़ी ये साइड साइड में, और कुछ मतलब अभी सारी दरी हैं, बाकी कटोरी की हालत आप देख सकते हैं कितनी काली हो चुकी है, नीचे जरूर सही है ऊपर से पूरी काली हो चुकी है। तो दोस्तों आपको अगर मैं जानता हूँ कि शायद आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट पसंद भी आया हो ना भी आया हो, पर मेरे हिसाब से यहाँ पर पसंद आना चाहिए क्योंकि ये वाला एक्सपेरिमेंट मतलब शुरुआत में जरूर गोली नहीं फूली थी, वो आपको शायद बेकार लगा होगा, पर इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि गोली फूटी है। तो दोस्तों पसंद आया तो लाइक कर देना, पसंद ना आया तो डिसलाइक कर देना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिल से पसंद आया तो आप लाइक करना, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना इससे और भी धमाकेदार एक्सपेरिमेंट वीडियो देखने के लिए।